हेलो 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम आपको बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट सीबीएसई का कि इस बार एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन गलत मिल रहा है कि एग्ज़ाम टर्म टू का नहीं होगा क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सीबीएसई ने अभी तक ये बात नहीं बोला है और इन्होंने सीधा आज 10 तारीख को यानी कि संडे जिस दिन था 10 जनवरी 2020, ठीक है, उन्होंने सीधा अनाउंस करके बोला है कि नो चेंजेस इन एग्ज़ाम पैटर्न। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना, नो चेंजेस इन एग्ज़ाम पैटर्न। आप पूरी तरह से इसको अगर पढ़ेंगे तो सीबीएसई टर्म टू बोर्ड्स नो चेंजेस इन एग्ज़ाम पैटर्न फॉर क्लास 10 एंड 12, ठीक है, डेट शीट टू बी आउट सून, जल्द ही डेट शीट भी आ जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे साफ, अगर ये ऑडियो का है, ठीक है, इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, कि कहानी क्या है। लिखा हुआ है कि देयर विल बी नो चेंजेस इन द पैटर्न फॉर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई टर्म टू क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जाम, रिपोर्टेड न्यूज एजेंसी ANI। इसके द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही एग्जाम होगा। फिर आगे बोला कि इट हैज़ बीन नोटिस्ड दैट अ फ्यू ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म आर सर्कुलेटिंग इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड कन्फ्यूजिंग ऑडियंस यूजिंग एक्सप्रेशन सच एज अ ब्रेकिंग न्यूज अबाउट द मेजर पैटर्न, ठीक है ना, चेंजेस इन क्लास 10 एंड 12 टर्म टू बोर्ड एग्जामिनेशन, द सीबीएसई सेड। सीबीएसई ने कहा कि ये झूठमूठ का ये फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इनकोरेक्ट इन्फॉर्मेशन कि एग्ज़ाम नहीं होगा ओमिक्रॉन के चलते, या फिर कैसा ये वो फलान डिकान लॉकडाउन, ये सब, तो ये सब फालतू चीज़ों पे विश्वास ना करें, आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लेरिफाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट दैट द बोर्ड हैड अनाउंस द चेंजेस इन एग्जाम पैटर्न मेंशन इन सर्कुलर नंबर 51, सर्कुलर नंबर 51 डेटेड 5th जुलाई 2021, टर्म वन एग्जाम्स हैज़ ऑलरेडी डन बी कंप्लीटेड एंड द फॉर्मेट ऑफ एग्जाम्स फॉर टर्म टू इज़ ऑल्सो मेंशन इन द सेम सर्कुलर। उसी सर्कुलर में जो 5th जुलाई 2021 को आया था, उसी सर्कुलर में टर्म वन का एग्जाम कैसा होगा ये भी बताया गया है और टर्म टू का एग्जाम कैसा होगा वो भी बताया गया है, तो वो चीज़ आपको होगा, ठीक है जी। अब लिखा है कि द एग्जाम आर शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड इन मार्च अप्रैल एंड द डेट शीट इज एक्सपेक्टेड टू अनाउंस सून ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट nic.nic.in। द सीबीएसई विल ऑल्सो रिलीज सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर टर्म टू एग्जाम्स ऑन cbseacademic.in, ठीक है जी। द सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स स्टार्टेड फ्रॉम 30, ये सब तो कहानी टर्म वन की कहानी बता रही है, ठीक है ना, बस इतना समझ ले कि आपको कोई चेंज नहीं हुआ एग्जाम में, जैसा है होगा। हाँ, क्वेश्चन किस तरह का आएंगे इसको देखना चाहते हैं तो ये देखिए, द टर्म टू एग्जाम्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड केस बेस्ड, फिर सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर, ठीक है, फिर आपका एंड ये लिखा हुआ है एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एंड विल बी हेल्ड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है जी। ये आपका मेंशन किया है, ठीक है जी। फिर आगे देख सकते हैं, ये सब कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस जो मेंशन किया है सीबीएसई ने उसको हमने आपको बता दिया कि सीबीएसई ने सीधा सीधा बोला है कि नो चेंजेस इन एग्ज़ाम पैटर्न फॉर क्लास 10 एंड 12, जैसा बताया गया है वैसा ही होगा। यानी कि उन्होंने बता रखा है कि अगर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जैसे टर्म वन का हुआ था वैसे होगा, ये पहले भी बताया गया है और अभी भी बताया जा रहा है। और ओमिक्रॉन का खतरा ज़्यादा नहीं रहा, नॉर्मल रहा केसेस, तो सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके बारे में पहले भी बता रखा है, ठीक है ना। 2 घंटे का सब्जेक्टिव पेपर होगा और वो होगा तो 1.5 घंटे का होगा, ठीक है, जैसा आप उचित समझें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आया तो वीडियोस को लाइक करें और लोगों को शेयर करें ताकि ये सभी लोग अवेयर हो सके इस चीज़ से, है ना। और एक बात, अगर आप टर्म टू का लेटेस्ट वीडियोज़ चाहते हैं मैथमेटिक्स का, तो आपको कुछ नहीं करना है, एकदम लेटेस्ट वीडियोज़ और वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, सारा आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। आप सर्च करिए यूट्यूब पे बाबा मैथ्स वाला और ये आइकन फ़ोटो पे क्लिक करें, ठीक है, और फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद आप सीधे मेरे वीडियोस और प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस प्लेलिस्ट में जैसे इस तरह से प्लेलिस्ट मिलेंगे जिसमें आपको अगर ऐसे क्लिक करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 11th टर्म 2 मैथ्स प्लेलिस्ट, जो कि केवल टर्म 2 को मद्देनज़र रख के बनाया गया है, उसी तरह से क्लास 12th टर्म 2 प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसी तरह से टर्म 2 क्लास 10th मैथ्स सीरीज लेटेस्ट लेक्चर सीरियल वाइज है, इसी तरह से करके आप सारे जो टर्म 2 से रिलेटेड वीडियोस हैं एकदम लेटेस्ट उसे देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम टर्म 2 का प्लेलिस्ट खोलते हैं तो इसमें हमको क्या मिलता है, इसमें हमें मिलता है सबसे पहले कि टर्म 2 का सिलेबस क्या है, सीबीएसई लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट फॉर टर्म 2, ठीक है।
फिर आगे आपको मिलता है ये सिलेबस के बारे में, ये तो कहानी ओमिक्रॉन को लेके कि क्या सीबीएसई ने डिसाइड किया ये था। दूसरा मिलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहला लेक्चर, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे दूसरा लेक्चर, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे जाते हैं तो इसी तरह से आपको न्यू एकदम लेटेस्ट लेक्चर जो बने हैं वो मिलेंगे। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी जब खत्म हो जाती है, नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही वेरी फुल्ली एक्सप्लेन किया हमने, फिर आपका इधर आ जाइए सर्कल जो पूछ रहा है टर्म टू में उसका लेटेस्ट लेक्चर्स, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एकदम लेटेस्ट लेक्चर, ठीक है, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अगर आप हमारा साथ दें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके टर्म टू के एग्जामिनेशंस में, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके टर्म टू का लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।